बिहार में 15 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है। दिल पे हाथ रख के बोलेगा, गरीबी खत्म हुआ कि नहीं हुआ? रोजगार मिला? भुखमरी खत्म हुआ? पलायन रुका? जब ब्लॉक जाते हो, थाना जाते हो, तो कितना चढ़ावा देना पड़ता है? देना पड़ता, बिना चढ़ावा दिए कोनो काम होला? राष्ट्रीय जनता दल ने पहले चरण के मतदान से 4 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि ये घोषणा पत्र हमारा प्रण है। आरजेडी ने अपने मैनिफेस्टो में बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। आरजेडी के मैनिफेस्टो में ये वादा किया गया है कि तेजस्वी सरकार बनने के बाद जो कैबिनेट की पहली बैठक होगी, उसमें युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने का वादा पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही घोषणा पत्र में आरजेडी ने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने का भी वादा किया। मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि तेजस्वी सरकार बनने के बाद बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार की नौकरियों में बिहार के युवाओं को 85% आरक्षण दिया जाएगा। आरजेडी नेता मनोज झा ने राज्य की 85% नौकरियों को बिहार के बेरोजगारों के लिए आरक्षित करने के सवाल पर कहा है कि हालांकि वे दूसरे राज्यों में इस तरह के आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन बिहार के लिए ये पॉलिसी सही है, क्योंकि बिहार संसाधन विहीन राज्य है। आपको बता दें, इस बिहार चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। राज्य में युवाओं को लुभाते हुए राज्य सरकार की नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क 0 कर दिया गया है। यानी अब हर परीक्षा के लिए 500 से 1000 रुपए छात्र छात्राओं को नहीं देने पड़ेंगे।